गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर स्मृति अग्रवाल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपने अगले वीडियो में फाइबर के बारे में बात करूंगी, तो चलिए जानते हैं फाइबर के फायदे, स्रोत और नुकसान। विभिन्न पौधों के स्रोतों से प्राप्त फाइबर एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। यह हमें अनाज, फल और सब्जियों से प्राप्त होता है। फाइबर सेलुलोज और लिग्निन से बना होता है, जिसे पचाया नहीं जा सकता। यह स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में डायरेक्ट पहुंचता है। यहाँ इसके कुछ ही हिस्से का बैक्टीरिया द्वारा खमरीकृत किया जाता है। ऐसी स्थिति में सवाल यह उठता है कि हमें फाइबर की आवश्यकता क्यों होती है। मल त्याग की क्रिया को नियंत्रित करने के लिए, नियमित करने के लिए हमें फाइबर की आवश्यकता होती है। यह अघुलनशील, अपचनीय होने के कारण हमारे पेट में लंबे समय तक बना रहता है, जिससे हमें अपना पेट भरा हुआ महसूस होता है और हम अपने भोजन लेने के अंतराल को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यह डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत मददगार होता है, क्योंकि बार बार भोजन लेने की आवश्यकता न पड़ने के कारण ब्लड ग्लूकोज लेवल नियंत्रित रहता है। इसके साथ ही यह पेट को स्वस्थ रखता है। यह मोटापा, कब्ज, कोलोन कैंसर, बवासीर और हृदय जैसे रोगों के खतरे को कम करता है। यह फाइबर दो प्रकार का होता है, घुलनशील फाइबर और अघुलनशील फाइबर। घुलनशील फाइबर हमें फल, ओट्स, राजमा, लोबिया और जौ से प्राप्त होता है। यह हमारे आंतों को स्वस्थ रखता है। यह आंतों में कोलेस्ट्रॉल को इकट्ठा होने को रोकता है। साथ ही यह एक आवश्यक बैक्टीरिया भी हमें देता है। यह स्टमक से इंटेस्टाइन तक पहुंचने के क्रिया को धीमी कर देता है, जिससे हमारे ब्लड में ग्लूकोज अवशोषण की क्रिया धीमी हो जाती है और हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल नियंत्रित होता है, जिससे डायबिटीज़ का खतरा कम हो जाता है। अघुलनशील फाइबर, यह अघुलनशील होने के कारण इसे पेट से बाहर निकालने के लिए हमें अधिक तरल पदार्थ की आवश्यकता होती है। यह हमें फल, अनाज, ओट्स, नट्स से प्राप्त होता है। यह भी हमारे कोलेस्ट्रॉल और ब्लड ग्लूकोज लेवल को नियंत्रित करता है। चलिए जानते हैं इसके नुकसान। कोई भी चीज़ अधिक मात्रा में लेने से हमें नुकसानदायक होती है। एक स्वास्थ्य संस्था द्वारा बताया गया है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को 40 ग्राम फाइबर की आवश्यकता होती है, और अगर हम 60 ग्राम फाइबर लेते हैं तो यह हमारे लिए नुकसानदायक होता है। फाइबर संतुलित मात्रा में लेने से कब्ज की समस्या दूर होती है, लेकिन अगर इसके विपरीत हम अधिक मात्रा में फाइबर लेते हैं तो यह हमें कब्ज और पेट में जलन जैसी समस्याएँ को उत्पन्न करता है। फाइबर लेते समय हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें अधिक से अधिक तरल पदार्थ लेना चाहिए और पानी की मात्रा का सेवन बढ़ाना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि विभिन्न रोगों में भी यह फाइबर फायदेमंद होता है? लेकिन इसे जानने के लिए मेरा अगला वीडियो देखिए। धन्यवाद। थैंक यू। राधे राधे।